हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली भाजपा युवा मोर्चा ने शिक्षा मंत्री डोटासरा पुतला फूक किया प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। पाली जिला मुख्यालय पर आज भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष कन्हैयालाल ओझा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के खिलाफ आह्वान। जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा का पुतला फूक, डोटासरा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया और महामहिम राज्यपाल के नाम में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जिसमें शिक्षा मंत्री डोटासरा के आरपीएससी साक्षात्कार में सफल हुए, रिश्तेदारों के साक्षात्कार में हुए भ्रष्टाचार की आशंका को लेकर सीबीआई जांच करवाने की मांग के साथ दोबारा साक्षात्कार करवाने जाने की मांग की गई। भाजपा युवा मोर्चा ने ज्ञापन में शिक्षा मंत्री डोटासरा से इस्तीफे की मांग करते हुए भविष्य में आरपीएससी में होने वाले साक्षात्कारों में पारदर्शिता के लिए साक्षात्कारों को वीडियोग्राफी करवाने की मांग रखी। आज जिले भर में आए सैकड़ों भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। जागरूक टीवी के संवाददाता से भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष कन्हैयालाल ओझा, इनका कहना है कि हमारे युवा मोर्चा की मांग ये है, जो हाल ही में ये आरपीसी के आरएस जो सिलेक्शन 2018 सिलेक्शन साक्षात्कार जो हुआ, इसमें जो शिक्षा मंत्री कांग्रेस शिक्षा मंत्री अपने गोविंद सिंह डोटासरा जी, उनके परिवार के विशेष व्यक्ति को कुछ 80% अंक प्राप्त हुए। इस पर यह ऐसी कार्यप्रणाली पर संदेह है हमारे को, युवा मोर्चा को हमारी मांग यह है कि इसकी जांच की जाए, उच्च समिति गठित के लिए इनकी जांच की जाए और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों को और नेताओं को कठोर सजा मिले। जागरूक टीवी के सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।